सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाले का सादर प्रणाम। आज हमारे कई क्लाइंटों ने हमसे एक निवेदन किया है कि गुरुजी आज तो आपको ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा आध्यात्मिक जगत से जिसको इंटरेस्ट है वो आपको पूरी जिंदगी याद करे, क्योंकि आपका सभी तरह का नॉलेज है। चलो कोई बात नहीं, आज हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में है, जिसने जिनकी स्थापना की थी उनके बारे में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। धरती पर अगर स्वर्ग का कहीं एहसास होता है तो वो है राजस्थान का माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्थान। कहा जाता है कि बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर जरूर होता है, जो बिन कहे सुन ले वो दिल बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। खुद भगवान भी यहाँ रहना पसंद करता है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्थान यह भूमि ऋषि मुनि संत भूमि पावन भूमि है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। भारत में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, तो यह अद्भुत नजारा है। यहाँ पर्यटकों की मंत्रमुग्ध हो जाता है, टूरिस्टों यहाँ के दीवाने बन जाते हैं। यह एक प्रकृति का अजूबा है, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं? तुम्हें याद करो और बाबा का दर्शन हो जाए। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अनुयायियों का कहना है कि निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना बड़ा सम्मान है। क्या जब सुबह सुबह में सूर्योदय यानी कि सूर्य देवता का दर्शन होता है तो कोई उनकी किरण छुपा सकता है? सूर्य की किरण मुट्ठी में कैद नहीं होती। ठीक उसी तरह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था की कीर्ति ध्वज आज दुनिया में लहराती है। यहाँ का साधना का बहुत बड़ा महत्व है। संस्था के अनुयायियों की तप की वजह से एक नई जिंदगी का एहसास होता है। एक कहावत है कि धन से सुख मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं, किंतु धर्म से जीवन सुखमय बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया संतों महंतों ऋषि मुनियों के साथ में है। संत किसे कहते हैं? ढाई अक्षर के शब्द को संत उपनाम दिया है। संत के अंदर ज्ञान वैराग्य सत्य अहिंसा जप तप निर्व्यसनपना परमार्थ समाया हुआ है, उसे ही सच्चा संत कहा जाता है। पोथी पढ़कर पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यह ढाई अक्षरों का मीनिंग शांति संतोष और समान का अर्थ सद्भावना सद्विचार होता है। संतों को नाच जात का भेदभाव नहीं होता,
निस्वार्थ प्रेम ही परमात्मा का प्रतीक है। संतो इस जगत को अरिसा समान ही गिनते हैं, क्योंकि आईना कभी गलत नहीं बोलता। संत शब्द के साथ संन्यास शब्द जुड़ा हुआ है। संन्यास यानी किसकी आस, संन्यास किसी के साथ गुरु भी होते हैं, गुरु होते हैं वहां ज्ञान गुरु भी होते हैं। भारत का आध्यात्मवाद विश्व में बेनमून और बेजोड़ है। योगी और सिद्धि सिक्के की दो बाजुओं का पहलू है। एक साइड पर टाइगर है तो दूसरी टाइप पर कांटा है। तपोभूमि पर जाकर साधना कर बदन को तपमय बनाना पड़ता है, फिर परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। कठिन तपस्या करने के बाद ही सिद्धियां मिलती है, उसे ही योगी देखने जावे तो हमारा एक ही बात है, उसे ही योगी मुनि संत कही जाता है, यानी कि कहा जाता है। संतों को संसारियों का बंध्यान नहीं खपता। कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धियां मिलती है।